हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज इंग्लिश लैंग्वेज जो पेपर सेकंड है फाउंडेशन का, उसको जानेंगे। तो ये जो है ये बीएससी या बीएचएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर है, जो फाइनल ईयर पेपर हुआ था। ये पेपर सेकंड है फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज। आपके लिए इसको करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन विद क्वेश्चन। कहने का अर्थ है कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हर क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो क्वेश्चन के सामने दिए हुए हैं। तो इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो फर्स्ट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। फर्स्ट सेक्शन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था कि अटेम्प्ट एनी 4 लग गया था। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो सभी करने पड़ते हैं ज़्यादातर। तो चूज द करेक्ट आंसर, आंसर चूज कीजिए। इट वाज द डैश इवनिंग ऑफ द ईयर। या आपको पहले ये बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बीएससी थर्ड ईयर है, उसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें संपूर्ण इंग्लिश को कवर किया गया है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, उसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट रूप में कराए गए हैं। तो उसको आप देख लेंगे तो पेपर भी अच्छे से बन जाएगा। उनको भी कंप्लीट करना है और जो जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट वाज द इवनिंग ऑफ द ईयर, कोल्डेस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये मैंने जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे थे, पेपर दिया था, तब लगे थे, इसलिए आप रीचेक कर लीजिएगा एक बार। लेकिन मेरे हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड राकेश थ्रो द कैटरपिलर अवे। राकेश ने कैटरपिलर क्यों छोड़ा। ही ईट्स द लीव्स एज अ मील, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द जेंट थॉट दैट द चिल्ड्रन इज इन गार्डन। जो राक्षस था, स्वार्थी राक्षस, उसने क्या सोचा कि चिल्ड्रन जो हमारे गार्डन में आएंगे तो वो गार्डन को क्या करेंगे, गंदा करेंगे। तो द जेंट थॉट दैट द चिल्ड्रन इज इन गार्डन वर डर्टी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड किसने लिखा। वाईएजी गार्डनर। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ये लेसन है और इनके जो जो राइटर हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। द एसे ऑन द रूल ऑफ द रोड वाईएजी गार्डनर इज अबाउट द, किसके बारे में, लिबर्टी। उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बताया कि लिबर्टी क्या है और कहाँ तक लिबर्टी सीमित है। अच्छे से समझा है हमने इस पाठ को। इसके बाद आया, द सॉन्ग ऑफ कबीर इज रिटन ओरिजिनली इन, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो शायद हिंदी में लिखा गया है, हिंदी में, ठीक है। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आंसर यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं तो 10 नंबर्स के हैं। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि इनमें से 5 करो, अभी आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आप पेपर नहीं दे रहे हैं, क्या आप मालूम है इनमें से कौन क्वेश्चन आएंगे कौन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, टू हुम डिड द बुट्स बिलोंग एंड व्हाई विल ही नॉट बी एबल टू सी द स्पीकर स्टॉपिंग बाय इन हिज बुट्स। लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसके बाद जो नीचे के हैं वो शॉर्ट हैं, तो उनको आराम से बन जाएंगे आप पर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड राकेश एंड हिज ग्रांड फादर स्पेंड द विंटर इवनिंग्स। जो राकेश और उसके दादाजी थे, उन्होंने विंटर इवनिंग्स को किस प्रकार व्यतीत किया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डिड वेलन प्रेजेंट टू हिज मास्टर एंड हिज फैमिली। व्हाट काइंड ऑफ गार्डन, किस प्रकार का जो गार्डन है वेलन ने प्रेजेंट किया, वेलन ने बताया किसको, उसके मास्टर को और उसकी फैमिली को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वर्ड्स वुड्स एंड विलेज सिंबल्स। आपको अपने वर्डों में बताना है कि वुड्स और विलेज का सिंबल्स क्या होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जेंट। आपको डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में, छोटे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है,
तो उसी के हिसाब से शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है कि जब पहली बार जो छोटा सा बच्चा और जो स्वार्थी राक्षस था वो मिला था, तो कैसा मौसम था, कैसे मिले थे, इन सब के बारे में। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट डज द रूल ऑफ द रोड मीन्स। आपको बताना है कि रूल ऑफ द रोड का मीनिंग क्या है। और सातवां क्वेश्चन है, मेंशन द थीम ऑफ द सॉन्ग ऑफ कबीर। ये पूरे पाठ में सिर्फ द सॉन्ग ऑफ कबीर में आप एक लाइन याद रखोगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। इस पर पूरा बेस्ड है ये, कि हमको कास्ट नहीं पूछनी है, हमको उसका नॉलेज जानना है। और आज भी यही रिक्वायर्ड है स्टूडेंट के लिए, कि आप किसी को किसी की जो कास्ट है उससे जज नहीं कीजिए, उसके नॉलेज से जज कीजिए। तो ये सेक्शन बी में आपको पांच क्वेश्चन करने थे, हालांकि आपको पूरे करने हैं, लेकिन जो पेपर आया था उसमें इंस्ट्रक्शन था फाइव आंसर यानी फाइव क्वेश्चन, दो दो नंबर के थे। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। डाउरी प्रॉब्लम, डाउरी मतलब क्या होता है, दहेज प्रथा, दहेज समस्या क्या है इसके बारे में लिखना है। सेकंड है माय आइडियल पर्सन, जो मेरा आदर्श, जिसको आप आदर्श मानते हैं उनके बारे में। तीसरा है न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 उसके बारे में। चौथा COVID-19 के बारे में। और पांचवा इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए मोस्ट IMP है इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, कुछ आए चाहे ना आए ये आता ही है, तो इसके बारे में अच्छे से रट कर जाइएगा, मतलब समझ कर जाइएगा। लेकिन जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है उनके लिए बताए हैं कि इसको, जिनको इंग्लिश समझ लेते हैं लिख लेते हैं उनके लिए तो कोई भी वो बन जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सजेस्ट है कि इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इसके बारे में एक पैराग्राफ पहले से तैयार रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा पैराग्राफ, उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट अप स्टेप्स टू सेंड एन ईमेल। आपको बताना है कि स्टेप बाय स्टेप हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे। है छोटा सा, लेकिन आपको इंग्लिश में बताना है कि ईमेल किस प्रकार बनाएंगे, कहाँ कैसे ईमेल पर जाएंगे, फिर क्या किसको प्रेषक को कैसे उसका नाम लिखेंगे टू कर उसके बाद ईमेल सेंड करेंगे, तो एक जो प्रोसेस है उसके बारे में बताना है। और इसके अलावा जो एक है कि ड्रा CV फॉर अप्लाइंग, यानी जो ये आता है इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, CV आएगा ही आएगा एक, तो CV को कंप्लीट कीजिए, CV फॉर अप्लाइंग एनी जॉब, पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पांच नंबर का। थर्ड में आपको पैराग्राफ है और फोर्थ में आपको क्या है, CV लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। अब हम आ गए हैं डू एज डायरेक्ट पर। इसमें आपको जो दिए हैं वो छह दिए हैं, उनमें से आपको एनी फाइव करने हैं। हालांकि मैं बता भी सकता हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप इनको कोशिश कीजिएगा जो डू एज डायरेक्ट है इनके बारे में। इससे आपको क्या होगा, आपकी ग्रामर सही होगी। तो पहला है आई नो यू, इसका क्या बनाना है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, सब्जेक्ट पहले बाय लगता है और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, नो का थर्ड फॉर्म नॉन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ही इज जूनियर मी, सीनियर जूनियर सुपीरियर के साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है, इसका क्या होता है, इंसर्ट करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। थर्ड क्वेश्चन है सी हैज नॉट स्पेंड मनी। अब मनी ऐसी चीज है जिन्हें तो हम आप देख लीजिएगा, यूज करेक्ट डिटरमाइन। इसके बाद क्या है, सी इज टू फैट टू रन फास्ट, आपको सो दैट का यूज करते बनना चाहिए। एंड वन आई मैन कैम, करेक्ट द सेंटेंस करना है। और लास्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर मूव और कैरी इजली। देखिए इसमें क्या है, आपको यही सेम तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको सेम क्या आएगा कि आपको एक पैसिव वॉइस आएगा, तो आप पैसिव वॉइस को देखिए, इसके बाद आप प्रीपोजिशन देखिए, इसके बाद आप करेक्ट डिटरमाइन देखिए, सो दैट का यूज आया, इसी प्रकार जो यूजेस वाले हैं उनको देखिए, उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस आएगा और वन वर्ड आएगा कि वन वर्ड में कैसे आंसर देंगे। ये सिंपल सा इंग्लिश का पेपर है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी,
और थोड़ा सा गाइडेंस, दोनों मिलकर आराम से आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।